बोलो मां मनसा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। ये रहा चंडीगढ़। हमारे गांव में एक दादा थे ना, उनकी दुकान थी, तो रोज हमेशा मैं उनके लिए ना रोटी देने जाती, स्कूल जाती थी, रोटी देने जाती थी, हमेशा उनके बंद चुराती थी मैं। आज मुझे वही बंद याद आ रहा। दो मरीज ले रखेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों फिर आज एक नए ब्लॉग के साथ में, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशली है। तो अभी शाम की बज रहे हैं 7:30, अभी खाना बनाएंगे, खाना उना बना के बच्चों के लिए भी रख देंगे, रखने के लिए भी ले जाएंगे, और हमारी बस है 10 बजे की। खाना खा रही हूँ, लेट हो गए, 8:30 हो गए हैं, 9 बजे घर से निकलना था मगर लेट हो गई है, मुझसे फ़ोन आ रहा कि जल्दी आ, तो खाना खा रही हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं, हो गया मेरा बैग रेडी है देखो, और अब जा रहे हैं, मिलते आपको फिर बस अड्डा में। बाय 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 डुगू। बैठ चुके हैं हम बस में बैठ चुके हैं यार। ये देखो, ये बातें चल रही हैं इनकी। पहुंच चुके हैं हम कश्मीरी गेट बस अड्डा। निकल गए, थैंक यू। पहुँच गए हैं, 11 बज चुके हैं। अब बस का पता कुछ नहीं है कि बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्रे लबाए दादा, दोनों बहनें इसमें नहीं आ पाई है, और वो पैदल पैदल आ रही है दोनों की दोनों। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार ऋषिकेश। देंगे हम टिकट, बैठ चुके हैं बस में, और हमें मिली है सबसे पीछे की सीट, और हमारी बस निकल चुकी है। ये सबसे पीछे हम दोनों, बताओ, और हम दोनों सबसे पीछे लिए, हमारे साथ में ले आ गया है। ये बाप रे, बस में फुल भरी हुई है बस, और हम तो अब पीछे आ गए सबके सब। अब हम कीर्तन भजन करने वाले हैं, मज़ेदार कीर्तन भजन। समाधि लेना बोले जी बिये ना, वकी समाधि लेना जाला भी बजाना, जैसा तब समया वाला जाला भी बजाना, जैसा तब समया वाला जे बजरी नाता, जे केदारी नाता, जे बजरी नाता, जे केदारी नाता। चुके हैं ढाबे में, यहाँ पे ड्राइवर लोग कुछ खा रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। तो ये रहा देखो, ये तीन बच्चों ने तो बाप रे इतना शोर मचा रखा गाड़ी में, सो नहीं रहे, इनको नींद नहीं आ रही है। रात को कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, पिंक गुलाबी गुलाब के फूल देखो। सुंदर सुंदर फूल, और क्या सुंदर फूल खिले हुए हैं। रात के बज रहे हैं 12:30 बजे, 12:30 हो रहे हैं, और हम हैं खतौली बाईपास। हैं खतौली बाईपास। अरे मेरी बहनें तो आराम से सो रखी है दोनों की दोनों बस में, सोने के लिए आ रखी हैं दोनों की दोनों। तो एक तो सो रखी है, और ये कह रही दो मरीज ले रखे गाड़ी ले छोड़ दिया वहाँ पे, या अकेले रहेगी यहाँ पे। थाने में जाओ, पहले सबसे पहले मनीष सिसोदिया को जेल से
ठीक है। बस में इन दोनों बहनों ने कब्जा कर रखा है, देखो क्या आराम से सो रखी है। इसके लिए मैंने पूरी बस कर रखी है। देखो आज तुम्हारे दौड़ का खोनी था, आज हमार की हर की फेड़ जा रहे नहाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगे सुबह सुबह वहाँ जाके, और इनको नहाने जा रहे हैं। ये बेचारे चार महीने से बोले हमें हरिद्वार ले जाओ, हरिद्वार ले जाओ, नहीं नहीं आए। तब अब चाहता मैं ना फुलारी बनी पार्किंग और पोल पे रहा नहीं था। और इनके जी इनके लिए 12 बजे गाने भेज रहे हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान बना दिया। बोला ऐसे गाने भेज रहे कि तेरी मोहब्बत ने दिल्ली में मकान बना दिया। बताओ लोग घर में बना रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में मकान बनाया। महारानी विक्टोरिया जी उठ गई है, देखो 12 बजे रात के, 12:30 बजे रात के मिल लेवल बाहर जा रखे सवारी हैं भैया। रुक जा, 12 बजे रात लिमका 1 बजने वाले हैं लिमका। हाँ बराबर धक्का मार, पैसे तो खूब लिए। बस रात के बज रहे हैं 2:30 और हम पहुंच चुके हैं हरी की फैड़ी, और शहर का अंधेरा बिल्कुल ठंडा। वाह, यहाँ से चांद कितना पास दिख रहा है ना, चांद कितना पास दिख रहा है यहाँ से, खुला आसमान। तो ये सब पैक हो रखे हैं, सुबह यहाँ चहल पहल मच जाएगी, सुबह पूरा खुल जाएगा ये। और ये देखो सभी पैक हो रखे हैं, बस ये सिर्फ ये चीज़ खुल रखी है। तो ये है यहाँ की जीवन याचिका, ले लिए गंगा जल के लिए पीपे। गंगा जी तट पे आ गए हम। हम हर की फेड़ी में, मगर दोस्तों यहाँ पे इतनी लूट मचा रखी है, हर चीज डबल ट्रिपल रेट है। देखो ये लिया है इतना सा 30 रुपये का, ये लूट मचा रखी है यहाँ पे। ये है हम बर्मा कुंड में, बर्मा कुंड। ये है घंटा घर, देखो घंटा घर, ये देखो सब ने अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। कोई जो जल्दी आ गया होगा, कोई वैसे होंगे। मनी जने आता नहीं ढोल बने मनी। हाँ मतलब मैं समझी नहीं, इसका मतलब क्या है? समझी नहीं ना, अर्थात मतलब कि बैग वैसे क्या, बैग जैसे मैंने सारे अपने भगवान जी शरण ये गंगा शरण, उसके बाद मेरा बैग फट गया, कि पैसे हो गया। तो इसलिए हुआ तेरा बैग कि मेरा मैडम है, मेरा बैग टूट गया, यही भर दिया मेरा बैग टूट गया, इसलिए मैंने अपना सामान इसके बैग में रखा। बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं, अब हम ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या करें अंधेरे में, जाएं तो जाएं कहाँ। हमने कहीं पे हमने कहा धर्मशाला में चलते हैं, तो धर्मशाला में 2000 कह रहा है 1 घंटे के, हमने कहा ऐसे ही घूम लेते हैं फिर। जय गंगा मैया। नीचे देख के तो बहुत डर लग रहा है भाई, ये चली गई है। यहाँ दूध लेने के लिए हमें चढ़ाना है दूध फूल,
तो दूध चढ़ाए, दूध लेने के लिए इतनी दूर आए हम, नीचे हमें दूध कहीं दूध नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से फाइनली हमें दूध मिल गया है। ये मिला दूध, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे है माँ गंगा मंदिर। अभी भी लोग नहाने पे लगे हुए, बाप रे। अब जिस जिस पे ये देवता आएंगे ये नहा रहे हैं, जिनके बाल खुले जा रहे हैं नहाएंगे, जिन इस पे भी देवता आता है, इस बहन पे, सब पे देवता आते हैं, सब नाचेंगे यहाँ पे, किलका बिलकी करेंगे भाई, तो ध्यान से करना आने के लिए। लब अभी रभी ना हो, हर हर गंगे। उतनी ऊपर से मारी इन बच्चों ने छलांग, बाप रे। ठंड लग रही है यहाँ पे बहुत भयंकर ठंड, और पब्लिक देखना कितनी पब्लिक हो रखी है, बाप रे, और इतनी ठंड लग रही है। हो गया है आरती का टाइम, अब हम जा रहे हैं आरती में, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। आरती हो रही है तो चारों तरफ से पब्लिक इकट्ठी हो गई है, देखो चारों तरफ से, देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, और सामने भी आरती के लिए बैठे हुए हैं लोग, वहाँ सामने होगी आरती वहाँ पे, और हम लोग भी बैठे हुए हैं, आरती शुरू होने वाली है, तो हम सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, यहाँ चल रही है ये मैडम। पर खुला आसमान के नीचे भक्तजन बैठे हुए हैं, सभी आरती के दर्शन करने के लिए। और पुल में देखो क्या खचाखच पुल भर रखा है, और यहाँ देखो बोलो मनसा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, हर हर महादेव। माँ गंगे मैया की आरती हो गई प्रारंभ, आ
जय हो। ये लगा है हरिद्वार का मेला। हमारे सूर्यनारायण भगवान जी भी उदय हो चुके हैं और ये देखो खूबसूरत नज़ारा हरिद्वार का। और बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, बादल आसमान में। और ये पहाड़े, मैं इस पुल में खड़ी हो रखी हूँ, ऐसे लग रहा है पुल भी चल रहा है। ये हमारी डांडी कांठी, जय देव भूमि उत्तराखंड। अब हम कर रहे हैं नाश्ता, हमें लग गई है बहुत तेज भूख। और उसके बाद देखते हैं, ये आ गई है मेरे कुल्लड़ की चाय। और ये देखो चाय, तो बहुत साल बाद खा रही मैं चाय बंद। ये बंद, जब स्कूल जाते थे तब खाते थे बंद, और आज खा रहे हैं बंद। हमारे गांव में एक दादा थे ना, उनकी दुकान थी, तो रोज हमेशा मैं उनके लिए ना रोटी देने जाती, स्कूल जाती थी, रोटी देने जाती थी, हमेशा उनके बंद चुराती थी मैं। आज मुझे वही बंद याद आ रहा है, बेचारे दादा तो स्वर्गवास हो गए, मगर उनके बंद याद है मुझे आज अभी तक भी। देखो दोस्तों, चाय हो गई खत्म, तो ऐसे सूखा बंद खा रही चाय। पता क्या है, चाय दिखाऊंगी, ये इस कुल्लड़ में थे इनके, अरे 25 रुपए की चाय है ये। तो चाय तो गई खत्म, बंद खा रही हूँ सूखा। आ गया हमारा ये तंदूरी पराठा, मगर इतना गंदा हो रहा, नमक ना मिर्च फीका सा खाना यहाँ पे सही नहीं मिलता, पर जो भी है चलो, पेट भरना था पेट भर गया। दोस्तों बंद में तो कोई मज़ा नहीं आया, अब खाऊंगी मैं पराठा। अरे बंद तो चाय ख़त्म हो गई थी तो ऐसे गलत अटक गया था, पर पराठे भी सही बने हैं, मगर इसमें ना थोड़ा नमक मिर्च सही नहीं है। दो लो पराठा, तो आप खट्टा हो रहा है। ये है धनुष पुल, अब हम धनुष पुल में हैं, अब जा रहे हैं हम चंडी घाट, चंडी घाट में। और ये है हमारा धनुष पुल, बहुत बड़ा पुल है ये। पहुंच चुके हैं चंडी घाट, चंडी घाट में कर रहे हैं हम ठाट। ये रहा चंडी घाट की नगरी है हरिद्वार। तो यहाँ देखो कितना वो रखे हैं, धतूरा, भांग धतूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है ये देखो यहाँ पे ऐसे ही। और वहाँ कितना महंगा मिलता है हमें शिवरात्रि में, सारे उसी के पेड़ है ये। तो दोस्तों हो गया हमारा गंगा स्नान, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।